कविता का शीर्षक है डाकुओं के खेमे में कवि सम्मेलन। एक रोज की बात बताऊं, सुबह उठता ही मेरी घराड़ी मेरे हाथ में लिफाफो थमायो। लिफाफा को पत्र पढ़ो तो माथो घूम गयो। ऊ मैं लिख्यो थो ए शनिवार ने डाकवा के खेमा में कवि सम्मेलन है, थाने हर हालत में आनो पड़ेगो, और जै थे नहीं आया तो थारी घराड़ी को अपहरण हो जावेगो। पेमेंट थे जितनो चाहोगा उतनो ही मिलेगो, पर थारी कविता में गांधी विनोबा और जयप्रकाश जैसा शब्दा को प्रयोग को नहीं होवेगो, क्योंकि इन्होंने उनसे आत्म मैं घराड़ी से बोलो तू रोवा मन्ना, मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगो। तो वह बोली मैं वास्ते थोड़ी रोऊं कि वह थाने बुला रिया है, मैं तो यूं रोऊं कि अगर थे नहीं गया तो मैं नहीं ले जा रिया। मैं बोलो तू घबरा मन्ना, मैं ही चलो जाऊंगो। सो मैं घराड़ी से बोलो देख जै मैं 7 दिन तक नहीं आऊं तो तू मैंने मरो समझिए, और मेरो क्रिया कर्म जइया चावे वइया करवइये। सो मैं डाकवा के कार्यक्रम अनुसार उनके अड्डा पर पहुंच गयो। अड्डा पर पहले से ही बैठा कई कवि सुबह क्रिया था। कवि सम्मेलन शुरू करने से पहले डाकवा को सरदार कवि सम्मेलन को संचालन करने लगो, और यूं बोलो कि अब थारे सामने वीरस को कवि आवेगो, तो सब डाकू यूं समझा कि एक मोटो सो कवि यो शैल चतुर्वेदी आवे। पर एक मरो गिरो सो 20 किलो को वीरस को कवि आयो, और आता ही यूं चिल्लायो कि मारे गर्जने से दुश्मन बेहोश हो जावे, उनके तोपा की आवाज भी दब जावे, अरे धरती तो के आकाश कांप जावे। तो एक डाकू बोलो तू खुद क्यों कांप रही है, और दूसरा डाकू से जोश में हवाई फायर हो गयो, और गोली की आवाज सुनता ही वह वीर उसको कभी बेहोश हो गयो। डाकवा को सरदार बोलो ए वीरस का कवि ने जड़ी बूटी खिला करके होश में लाओ। मैं बोलो मैं इन कवियों को स्वभाव जानू हूँ, एने होश में लाने के लिए इनका पैसा दिलवाओ। तो अइया फिर डाकू को सरदार फिर बोलो कि अब थाने हासरस को कवि हंसावेगो, दिल्ली को सुरेंद्र शर्मा आवेगो। तो एक डाकू बोलो एने तो देखा ही हंसी आवे, यो के हंसावेगो। मैं बोलो थे ठीक कहो हो, थे जिंदगी में इतना लोगा ने रुलाया है, थाने हंसी कहीं आवेगी, और थारी तो हंसी भी एकाद की जान लेकर के जावेगी। तो डाकवा को सरदार बोलो रे मच्छर, और वो कोई आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी थोड़ी बोले थे, रे मच्छर मैं डाकू हां, मतलब की बातां पे हंसांगा, ऊट पटांग बातां पे बिल्कुल ही नहीं हंसांगा। मैं सोची अब इन डाकवा ने कौन समझावे, हंसी तो आजकल ऊट पटांग बातां पे आवे। सो मैं या सोच सोच के जोर जोर से रोने लगो। मेरो रोनो सुनकर के एक डाकू बोलो तू हासरस को कवि हा, क्यों रोवा हा। मैं बोलो हे डाकू जी यो वीरस को कवि बेहोश हो सके, मैं रो भी को नहीं सका, इतनी कहकर मैं दहाड़ मार कर रोई, पर एक भी डाकू को दिल नहीं पसीजो। मैं सोची डाकवा को दिल ही पसीजने वालो हो तो वे डाकू क्यों बढ़ता। कवि सम्मेलन के बाद में डाकवा को सरदार मे सब कविया ने अइया पारिश्रमिक दिलायो, अइया पेमेंट दिलायो कि वीरस का कवि की तो मूछ मुड़ दो, और यो हासरस को कवि सुरेंद्र शर्मा रो रो करके मारो मनोबल गिरावे को।
इन्हें छोड़ दो और ऊपर से बंदूक लाकर इन श्री शैल चतुर्वेदी ने दिलाओ, इन्होंने अपने दल में मिलाओ और वह डाकुआ को सरदार मे सब कविया ने जितनो कहो थो उनसे दुगनो पेमेंट करायो। सोवाड़ा ने 200 पर रस्ते में अपने दल के डाकुआ ने भेज करके लुटवायो। मैं ऑब्जेक्शन किया तो एक डाकू बोलो, जी पेमेंट देनो तो मारो फर्ज थो और लूटनो मारो बिजनेस है। पर डाकू बनोड़ो शैल चतुर्वेदी जी मने छुड़ायो। मैं जब घर पहुंचो तो मेरो माथो घूम गयो। घर पे सर मुंडवाया, मेरो छोरो मेरो पिंड दान कर रियो थो। मैं घराड़ी से बोलो, आज तो छठोई दिन है, मैं तो तैने कह कर गयो थो कि 7 दिन तक इंतजार देखिए। तो घराड़ी बोली, जी मैं या सोची जो काम कल करनो है आज ही क्यों ना कर लूं।